स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉप किडनी डायलिसिस, जहां हम हमेशा आपको किडनी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऐसे ही हम आज एक खास जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि किडनी की सेहत के लिए मशरूम का सेवन कैसा है। हमारा आज का विषय बहुत ही खास है, इसलिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको मशरूम के कुछ फायदों के बारे में बताएंगे, साथ ही हम किडनी में आने वाली समस्या के कुछ संकेतों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के विषय को और जानते हैं कि किडनी के लिए मशरूम खाना सही है या नहीं। मशरूम का सेवन कई लोग पसंद करते हैं। मशरूम में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। मशरूम में विटामिन बी, विटामिन डी, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, सेलेनियम और फाइबर पाए जाते हैं। कई बीमारियों में मशरूम का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। मशरूम में कैलोरीज की मात्रा कम पाई जाती है जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बनाती, इसलिए इसका सेवन आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मशरूम खाने से आप कई समस्याओं से दूर रहते हैं, जिससे आपको किडनी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मशरूम का सेवन आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। अब बात करते हैं किडनी के काम के बारे में। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। किडनी का प्रमुख काम शरीर से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर करने का होता है। हम जो भी अनावश्यक आहार लेते हैं, उससे बनने वाले टॉक्सिन्स को किडनी यूरिन के रास्ते बाहर करती है। इतना ही नहीं, आपकी किडनी शरीर के बाकी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। जब आपकी किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती, तब आपको किडनी से जुड़ी समस्या हो जाती है। किडनी का एक काम यूरिन से जुड़ी समस्या को दूर करना भी होता है, जिससे आपको यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी नहीं होती और आप किडनी इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। आइए अब जानते हैं किडनी में आने वाली खराबी के कुछ ऐसे संकेतों के बारे में, जिनको इग्नोर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो रही है, तो ये किडनी खराबी का लक्षण हो सकता है। इसको इग्नोर करना आपको गंभीर समस्या में डाल सकता है। आपको अपने शरीर में अचानक से सूजन दिखाई दे या आपको शरीर में लगातार दर्द महसूस हो, तो ये भी किडनी खराबी की वजह से हो सकता है। ठंड लगकर बुखार आना, लगातार उल्टी होना, भूख में कमी होना और नींद ना आने की समस्या को भी अनदेखा ना करें। कभी ऐसा हो कि आप काम करने से बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस करें, साथ ही चक्कर आना और अक्सर बेहोश हो जाना भी किडनी खराबी का लक्षण होते हैं। इसके साथ अगर आपको अपने वजन में अचानक से कुछ बदलाव नजर आते हैं या शरीर में खुजली जैसी समस्या होती है, तो ये भी किडनी खराबी की वजह से हो सकता है, जिसको अनदेखा करना आपकी किडनी के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो ये है किडनी खराबी के कुछ लक्षण, जिन्हें अनदेखा करना आपकी किडनी के लिए बुरा सिद्ध हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि इनमें से आपके शरीर में कोई भी लक्षण नजर आए, तो बिना इग्नोर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं कि मशरूम के क्या फायदे हैं जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। मशरूम खाने का सबसे पहला फायदा है कि आपके हार्ट को सुरक्षित रखता है। अगर आप मशरूम का सेवन करते हैं, तो इससे आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती, जो आपके हार्ट को सुरक्षित रखने में मदद करती है। मशरूम में हाई अमाउंट में फाइबर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सोडियम, एट्राडिनाइन, फिनोलिक कंपाउंड्स और स्टेरॉल जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है, जो किडनी के काम में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालता और आपको हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक जैसी परेशानी नहीं होती। अगला है डायबिटीज की समस्या को दूर करने में सहायक। मशरूम में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो डायबिटीज के खतरे को दूर करने में सहायता करते हैं। इसका सेवन ब्लड में शुगर के स्तर को सामान्य रखता है, जिससे आपका ब्लड साफ रहता है और किडनी को ब्लड साफ करने में कोई परेशानी नहीं होती। डायबिटीज की समस्या होने पर किडनी में खराबी आने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ये कह सकते हैं कि मशरूम का सेवन किडनी में आने वाली खराबी को दूर करने में सहायता करता है। मशरूम का अगला फायदा है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। मशरूम में पाया जाने वाला सेलेनियम आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, जिससे आपके शरीर में रोगों से लड़ने की कैपेसिटी बनी रहती है। इससे आप बदलते मौसम में जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते और आपको सर्दी जुकाम जैसी परेशानी भी नहीं होती। बात करते हैं अगले फायदे की। मशरूम का सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाता है। मशरूम का नियमित सेवन आपको कैंसर से बचाने में मदद करता है। मशरूम में एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। इसके साथ ही मशरूम का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त रखता है, जो आपको हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, कैंसर और डायबिटीज जैसी सभी समस्याओं से दूर रखता है।
मशरूम में फाइबर, पॉलीसैचराइड्स, टर्पीन्स, पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट को बढ़ने नहीं देते और आपके वजन को कम करने में सहायक होते हैं। मशरूम का सेवन पेट से जुड़ी समस्या से दूर रखता है। मशरूम में एंटी अल्सर गुण भी होते हैं जो पेट में अल्सर जैसी समस्या को दूर करने में सहायता करते हैं। इसके सेवन से पेट में दर्द और कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत भी कम होती है। इसका सेवन आपके चेहरे की त्वचा और आपके बालों के लिए भी अच्छा माना गया है। तो ये है मशरूम के कुछ फायदे। इसका सेवन आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, लेकिन ध्यान रहे, जिन्हें किडनी में कोई भी समस्या है उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। के साथ ही आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में आहार के साथ कुछ और बदलाव भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन में योग को शामिल करें और साथ ही आयुर्वेद को अपनी जिंदगी में जगह दें। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप प्राकृतिक उपायों को अपना सकते हैं जिनका आपके जीवन पर कोई बुरा असर नहीं होता। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप इसके लिए आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। वर्तमान समय में आयुर्वेदिक उपचार सफल माना गया है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर आप या पर कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी के इलाज के लिए डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ इलाज सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा किया जाता है। कर्मा आयुर्वेदा में केवल किडनी का इलाज ही नहीं मिलता बल्कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है। इसलिए आप किडनी के इलाज के लिए कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप हमसे किडनी समस्या से जुड़ा कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गब्बर सिंह रावत। कौन है पेशेंट आपके? फादर इन लॉ सर। आपके ब्रदर इन लॉ आए? हाँ जी। आपके फादर हैं? हाँ जी। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? सर उस समय स्टार्टिंग में अप्रैल में हम आए थे, मई में आए थे, तो अप्रैल से इनको ये प्रॉब्लम हमें लगनी शुरू हो गई थी। मतलब कि थोड़ा सा वीकनेस काफ़ी थी और उल्टी आ रही थी, और तो हमने इनका मेरठ किडनी हॉस्पिटल में इनका मैं ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्टिंग किया था जब इनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। तो फिर अप्रैल में ये प्रॉब्लम इनको शुरू हो गई। तो एक महीने में हमने इनको आपका व्हाट्सअप के यूट्यूब के थ्रू हमने आपका कर्मा आयुर्वेद के बारे में जाना, तो हमने आपसे यहाँ पे मई में कॉन्टेक्ट किया था और आपने हमें 3 मंथ के लिए जो दवाई दी थी वो हमने रेगुलर जो आपने प्रिस्क्रिप्शन बताए थे वो हमने कंटिन्यू फॉलो किए और काफ़ी हमें मतलब इसका इम्प्रूवमेंट नजर आया इसमें। क्या काफ़ी डायलिसिस चल रहा था पहले इनका? तो हाँ जी सर, डायलिसिस स्टार्टिंग से हमने जून तक करवाया था इनका। जून तक करवाया था। अप्रैल में आप मई में आए थे आप यहाँ पे? जी आपने अप्रैल से डायलिसिस जब आए थे उस समय डायलिसिस इनका चल रहा? यस सर। बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिनिन कितना था जब डायलिसिस चल रहा था इनका? 89 सर, स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा था, 12 point something था। 12.93 था इनका? जी जी। जब डायलिसिस करा रहे थे उस समय? जी। अभी कितना आया क्रिएटिनिन इनका? अभी 4 point something है सर। विदाउट डायलिसिस आया? यस सर। और पहले डायलिसिस चल रहा था? यस सर। बताएं जरा, खुल के बताएं कि अभी फिजिकल लेवल पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेडिकल साइंस की पहले से तो बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक है उनकी, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, पहले तो बैठे रहते थे, अब घूम रहे हैं, मतलब ठीक ठाक हैं, खाना वाना सब ठीक से कर रहे हैं। डायलिसिस नहीं कराया? डायलिसिस नहीं कराया। बहुत अच्छी चीज़ है। और डायलिसिस तो पहले तो उनका 2-3 महीने तक डायलिसिस चला है, वो तो काफ़ी कष्टदायी सिचुएशन हो गई होगी उस समय। क्या बताया था डॉक्टर्स ने वहाँ पे? डॉक्टर ने सर बताया था कि भाई इनका डायलिसिस आपको करवाना पड़ेगा आज कंटिन्यू। आज बगैर डायलिसिस के, तब डायलिसिस चल रहा था और आज बगैर डायलिसिस के, बगैर आर्टिफिशियल उसको कराया गया प्योरिफिकेशन, अभी जो इनका क्रिएटिनिन आया है 2 सितंबर 2019 में 4.46 आया है, और जब डायलिसिस चल रहा था तब क्रिएटिनिन 12 था, अब बगैर डायलिसिस के 4.4 आया। लाल बैद लब से इन्होंने मेरठ से ये रिपोर्ट कराई है। GS रावत, गब्बर सिंह रावत पेशेंट का नाम है। यूरिया भी काफ़ी कम हुआ है, 119 के आसपास आया है। और ये पुरानी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर क्रिएटिनिन इनका 12.9 था और उस समय डायलिसिस भी इनका चल रहा था। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं।
12.4 है, ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 12.4 इज द क्रिएटिनिन लेवल, और यूरिया जो है वो 164 के आसपास है रिपोर्ट में। इस समय डायलिसिस भी इनका हो रहा था, डायलिसिस के बाद भी क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा था और 12 के आसपास रहा था, और अब जो है बगैर डायलिसिस के 2.5 महीने के क्रिएटिनिन जो है वो 4.46 आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिड्यूस हुआ है, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट इनको नजर आई। ना केवल क्रिएटिनिन कम हुआ बल्कि डायलिसिस भी बंद हुआ, दोनों चीज़ें हुई हैं और दोनों चीज़ों में इनको रिलीफ मिला है, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स विजिबल हुए। तो ये है जी एस का स्टॉप किडनी डायलिसिस।